हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी पेमेंट अगर रॉन्ग कर दिया है, गलत हेड में कर दिया है, तो उसे कैसे सही करें, करेक्ट हेड में कैसे लाएं। ठीक है, तो उसके बारे में आज मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, देख लेते हैं पूरा। जीएसटी में लॉगिन कर दिया है, ये मेरा पेमेंट आई जीएसटी में था है, सी और एस में करना है। तो अब इसको हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे देखते हैं आज की वीडियो में। आई में है, सी और एस में करना है मुझे, तो कैसे करेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले लेजर में आना है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखाई देगी आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से सेकंड वन पर क्लिक करना है, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 ट्रांसफर वाला। इस पर क्लिक करना है। देखिए हमारे आई जीएसटी अमाउंट है 2868, इसको हमें सी और एस में लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएंगे, मेजर हेड हम यहाँ पे आई जी एस टी सिलेक्ट करेंगे, इधर टैक्स में अमाउंट है तो टैक्स रखेंगे, इधर अमाउंट अवेलेबल 2868 बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। यहाँ पे आई जी एस टी है तो इसको सी में ट्रांसफ़र करना है, तो सी जी एस टी ट्रांसफ़र कर, सी जी एस टी लेजर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 2868 डिवाइड बाई 2, ठीक है 1434। यहाँ पे भी टैक्स में लिखेंगे हम, टैक्स में ट्रांसफ़र करना है इसके लिए 1434। सेव कर देना है इसको यहाँ पे। फिर वापस आई जी एस टी सिलेक्ट करना है, टैक्स में जाना है, फिर यहाँ पे एस जी एस टी सिलेक्ट करेंगे, सी हमने कर दिया, टैक्स में जाना है 1434। सेव कर लेना है इसको भी। ये देखिए आपका टैक्स में अमाउंट दिखेगा 1434। मैं उसे प्रोसीड टू फाइल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बराबर है, मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई है। इसके बाद और एक ऑप्शन आता है, उस पर आप प्रोसीड टू फाइल करके ओटीपी जाएगा, वो आपको ओटीपी डाल देना है, तो ये आपका फाइल तुरंत ही फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये अमाउंट दूसरे लेजर में। ओके, मैं बैक करता हूँ यहाँ से। अभी और एक कैसे केस देखेंगे हम, जिसमें हमको रिफंड मंगाना है, वो कैसे मंगाते हैं। अगर आपके दूसरी पार्टी का पेमेंट कर दिया है, गलत पेमेंट कर दिया, एक्सेस पेमेंट कर दिया है, आपको रिफ़ंड मंगाना है, तो हम रिफ़ंड कैसे मंगाएंगे वो देखते हैं आज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ़ंड। रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रिएट एप्लीकेशन ऑफ रिफ़ंड। यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन लिख के प्रोसीड कर देना है, अमाउंट डाल के जितना चाहिए। यहाँ पे बैंक डिटेल सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट कोई नहीं आएगा, यहाँ पे सेव कर लेना है, प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बताता हूँ, क्यों डॉक्यूमेंट नहीं आएगा किसका, क्योंकि इसका सर्कुलर नंबर आया था 125/44/2019 जीएसटी सर्कुलर आया था इसमें। ये सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगी, इसके लिंक अवेलेबल सीबीआईसी हेल्पलाइन आपसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीआईसी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके एनेक्सचर 1 में जाएगा, पेज नंबर 21 पे है, पेज नंबर 28 पे है एनेक्सचर का, इसकी डिटेल
एनेक्स चार में पेज नंबर 28 पे है इसकी डिटेल। पॉइंट नंबर 8 में जाएगा, उसमें आपको रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट दिखेगा, उसमें डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लिखा है, इसके लिए हम कुछ नहीं यहाँ पे अटैच करेंगे, डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है आपको। सर्कुलर में लिखा है क्लियरली, सर्कुलर नंबर 125/44/2019 जीएसटी का सर्कुलर है। एनेक्सचर ए में जाना है आपको, पेज नंबर 28 पे, पॉइंट नंबर 8 में दिखेगा आपको रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स।